Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve one of the numerical which is asked in NEET 2021 में ये question पूछा गया था, जो हम आज numerical जो है हमारे electrochemistry के कुछ numerical solve करने की कोशिश करेंगे। तो पहला numerical देखिए कुछ इस तरह से, पहले मैं उसको पढ़ लूंगा। The molar conductance of NaCl, HCl and CH3CONa at infinite dilution are 126.25, after that 426.16 and 19.0 Siemens centimeters. Okay, respectively, the molar conduction of CH3COH मतलब एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हाट विल बी। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो कि आपको जो हमारा एसिटिक एसिड है इसका जो मोलर कंडक्शन है वो हमें यहां पर बताना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो हमें उसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब इसको बेसिकली जो सॉल्व करना है हमको, जो हमारा कॉलरैश लॉ है उसके हेल्प से सॉल्व करना है। ये लॉ क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायंस। ओके, ये कहता है, क्लियर है। समेशन होती है कैटायन और एनायन की। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें किसकी पूछी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसकी पूछी है? CH3COH मतलब एसिटिक एसिड की, और वो किसके इक्वल होगी? अब इस एसिटिक एसिड का जो साल्ट है, कौन सा साल्ट दिया है यहां पर? दैट इज सोडियम एसिटेट। तो उसको हम लिखेंगे दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONa, क्लियर है। प्लस अब जो हमें यहां पर जो साल्ट दिया है, और दूसरा कौन सा साल्ट दिया है हमें? दूसरा एक एसिड दिया है, दैट इज HCl, क्लियर है। तो HCl करेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ठीक है, माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, अब हम जस्ट वैल्यू क्या करने वाले हैं बच्चों? पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी हमारी वैल्यू? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट कितनी दी है हमें? दैट इज 4। लास्ट कितनी दी? हाँ यस, ये दी है हमें, दैट इज 91, क्लियर है। सो 91 प्लस, अभी इन दोनों में हम पहले माइनस कर लेंगे, और वो कितनी है? दैट इज HCl की कितनी दी है? दैट इज HCl की है 426.16, क्लियर है। माइनस कितनी है? 126.25, ठीक है। अब इनको अगर माइनस करेंगे हम तो हमारे पास कितने बचेंगे? दैट इज हमारे पास कुल मिलाकर बचेंगे दैट इज 300.16 बचेंगे। ठीक है, अब प्लस करना है हमको 91। ठीक है, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इसकी, तो ये आंसर कितना आएगा हमारा? दैट विल बी 391.16 के आसपास हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें इसके नजदीक कोई आंसर यहां पर दिया है क्या? यस, ये दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमें बच्चों दिया है, वो है 390.70 साइमन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है एसिटिक एसिड की वो कितनी आई? 391.16। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते समय आपको एक बात याद रखना है, इस तरह के कैलकुलेशन में अगर हमें एसिड की पूछी गई तो क्या करना है हमें? उसी का साल्ट जो दिया होगा उसके साल्ट में से रिमेनिंग जो दो साल्ट हो गए, एक उसमें फिर से एसिड होगा, तो उस एसिड को उसके ही साल्ट से क्या करना है? माइनस करना है, और जिसका निकालना है उसके साल्ट को हमको क्या करना है? प्लस में रखना है। ठीक है, सो इस तरह से इसको कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे एक पास एक फॉर्मूला है न्यूमैनिक्स, दैट इज साल्ट प्लस एसिड कम साल्ट, ठीक है। साल्ट प्लस एसिड कम साल्ट, मतलब साल्ट मतलब ये साल्ट हो गया, एसिड मतलब ये एसिड, कम मतलब माइनस, और फिर से NaCl वाला साल्ट, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने पहला प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश की है। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम है बच्चों, दूसरे प्रॉब्लम में क्या पूछा गया हमें, देखिए आप, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोल एसिटिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर्स मोल, सो दैट व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बच्चों निकालना है। अब आपको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला जो है हमारा, दैट विल बी Kc इज इक्वल्स टू Ca का पावर a का पावर 2, बट ये कब, जब जो हमारी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बहुत एक से ज्यादा क्या है, कम है, ठीक है। तो अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू किस तरह से होगी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास दैट इज जो टोटल हमारा जो मोलर कंडक्शन है वो कितना है, दैट इज यह है दैट इज 20, ठीक है। 20 बाय कितना है, और ये 300 और ये 50, मतलब ये कितना हो गया 400, ठीक है। हम अभी क्या निकाल रहे हैं, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये कितना आएगा, दैट विल बी 400 और एक और 0.0, क्लियर है। तो ये है हमारा 0.05 के इक्वल आई है वैल्यू, ठीक है, 0.05, क्लियर है, 0.05 के ये वैल्यू इक्वल आई है। और इस वैल्यू को आप किस तरह से निकल सकते हैं, इस तरह से तीन, हाँ यस, क्लियर है। तो दैट विल बी 5 × 10⁻², लिख सकते हैं आप इसको, क्लियर है। इस तरह से आपने ये लिख दिया, हाँ। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अब अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करना है। दैट विल बी किस तरह से हो जाएगा, दैट विल बी के सी इज इक्वल्स टू सी ए, तो जस्ट वैल्यू पुट करो, कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 0.7 × 10⁻³ into ये हमारा इसकी वैल्यू, तो दैट विल बी 5 × 10⁻², लेकिन इसका है स्क्वायर, तो दैट विल बी 7 × 10⁻³ into इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 × 10⁻⁴ हो जाएगा, क्लियर है। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, 7 × 5 = 35 के उसके बाद आपको क्या करना है, दैट इज 7 × 2 = 14 और 1 × 15 = 16, ठीक है। 7 × 5 = 35 के पास और 3 थे यहाँ पर, और ये 7 × 2 = 14 = 14 और 3 = 17 हो जाएंगे आपके, ठीक है, 14, 15, 16, 17, ठीक है। इस तरह से ये 17 हो जाएंगे, इतना आंसर आपका आएगा, ठीक है। और फिर बाद में ये 3 भी बेस इनका सेम है, तो ये क्या हो गए, ऐड हो गए, और फाइनली ये कितना होगा, दैट इज 10⁻⁷ हो जाएगा। लेकिन इसको आपको इधर लेके आना है, अभी वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर इस तरह से है, तो वैल्यू आपको डेसिमल यहाँ लाना है, सो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 1.75 × 10⁻⁵, क्लियर है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हमारा सॉल्व होगा, और ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है बच्चों, क्लियर है। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा, ओके। हाँ, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा है, देखिए, नंबर ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम
CaCl2। ठीक है, अब 20 ग्राम ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 20 ग्राम। ठीक है, तो अब ये क्या करना है आपको, जस्ट इसमें मोस्टली हमारा जो गिवन गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट, ओके, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, क्लियर है, इनटू इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये CaCl2 जब ये जाएगा तो दैट विल बी Ca डाई पॉजिटिव, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कितना निकालना है, 20/40, क्लियर है, और इनटू आपका 2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इधर आप इसको सॉल्व कीजिए, 14/200, ठीक है, तो ये आपका 0 पॉइंट, ठीक है, तो 4 × 5 = 20 और ये दैट विल बी 5। ठीक है, और इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5, ठीक है, 0.05 × 2, तो ये आपके किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो मतलब आपको 20 ग्राम अगर कैल्शियम प्रोड्यूस करना है CaCl2 से तो आपको 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा, क्लियर है। अब इसके बाद हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है, दैट इज फाइंड आउट द EMF। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल विच इज फॉलोइंग विच टेक्स प्लेस द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन है हमारा, रिएक्शन जो है Ni निकेल सॉलिड प्लस 2 Ag, जिनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोल, और वो निकेल गिव्स टू इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो बेसिकली इसका जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ये चारों भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, आप इस एग्जांपल को नीट के सॉल्यूशन में जाकर भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन जो है चारों भी गलत दिए गए हैं। तो एज अ स्टार बोलकर ये एग्जांपल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब नीट में भी बहुत बार गलती हो सकती है, क्लियर है। चलो, तो EMF ऑफ सेल इज माइनस E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.0059 डिवाइडेड बाय N। अब आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन जो है 2 का ट्रांसफर हो रहा है इसमें, ये बात आपको याद रखना ही रखना है, क्लियर है। चलो, तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, चलो, तो प्रोडक्ट हमारा निकेल है और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना है आपको, जो Ag है इसकी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो नीचे इसको 2 लिखना ही आपको। ठीक है, चलो, तो 0.059 डिवाइडेड बाय 2 n की वैल्यू log, तो log log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट इज 10^-3 डिवाइडेड बाय दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये है 10^-3, और लेकिन इसका है स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर ये है क्यूब और ये एक ही है। ठीक है, फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक वैल्यू आपको रखना हम भूल गए, दैट इज कितनी है, हाँ, ई नॉट ऑफ सेल कितना है, दैट इज 10.5, क्लियर है, ये यहाँ पर माइनस में वैल्यू रखी दी है। ठीक है, तो दैट इज 10.5 इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब क्या होगा, ये लॉग जो है ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, दैट 10^-3, ठीक है, इंटू 10^-6 ये 6 हो जाएगा अब। ठीक है, तो इनके बेस क्या है, सेम है, दैट्स वाई ये कितना हो जाएगा, दैट इज 10^3। ठीक है, माइनस थ्री इंटू 6 मतलब ये 6 − 3 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी इतना, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आएगा, दैट विल बी 0.0
0.2 डिवाइडेड बाय 59, ठीक है, तो 59 को इसको डिवाइड करेंगे 5, तो इसका आधा हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, 29.5 हो जाएगा, क्लियर है। इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 10 to the power of 3, क्लियर है। चलो इतना हो जाएगा, फिर अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, दैट इज विल बी कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना आएगा, दैट विल बी 0.0, ठीक है, 0.0888 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, इससे माइनस करना है, दैट इज 10.5 माइनस 0.088, क्लियर है। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएंगी, दैट विज 10.4 के आसपास आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर 10.4 के आसपास आपको कोई आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा, तो लॉग क्लियर है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, आई होप आपकी ये समझ में आया होगा, क्लियर है। श्योर, इसके बाद हमारा ये वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस ये नहीं है, जैसा आपको क्या करना है, इसको ये फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 × 10⁻¹⁰ साइमन सेंटीमीटर एट 298 केल्विन, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है आपको और इसमें वैल्यू पुट करना है, के की वैल्यू कितनी दी गई है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दैट इज 5.7 × 10⁻³ × 1000, क्लियर है, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी जो दी है आपको, दैट इज 0.05 दी है, ठीक है। आपको इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो बेसिकली ये जो वैल्यू है आपकी वो आपकी 11.25 के इक्वल आएगी, क्लियर है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश, जस्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विच इज आस्क इन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर है हमारा उस पर ये बेस है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग द करंट ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर करंट यूज कर 0.10 मोल क्लोरीन गैस को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें इस एग्जाम्पल में पूछा गया है। चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन है वो यहां पर लिखेंगे बेसिकली, जैसे कि Cl2 क्या होगा, Cl2 जो हमारा है डाई Cl निगेटिव में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब लेकिन ये कब कन्वर्ट होगा, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली रिएक्शन जो होगी वो कहाँ पे होगी, एनोड पे, क्लियर है। तो इस तरह से होगी, तो जैसे कि आपको पता होगा कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल Cl2 को प्रोड्यूस करने के लिए, 1 मोल Cl2 को प्रोड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो रहे, तो कितना होगा, दैट विल बी 2 × 1 फैराडे, ठीक है। तो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती थी, दैट इज 96500, ठीक है। अब ये 1 मोल के लिए, लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पर, 0.10 मोल के लिए, ठीक है। तो 0.10 मोल, ठीक है, Cl2 के लिए कितनी हो जाएंगी, वो दैट विल बी कितनी होंगी, 2 इंटू
टू इंटू कितनी है, दैट इज ये कितनी हो जाएंगी, दैट इज 0.0 कितनी हो जाएंगी, दैट विल बी 20, ठीक है, और इंटू 9600500, ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगी, ओके ना, इस तरह से हो जाएगी। तो जस्ट आप क्या करेंगे, आप टाइम इज इक्वल्स टू 2 into 9600 डिवाइडेड बाय जो हमारा हमें यहाँ पर क्या किया है, जो करंट दिया है, दैट इज 3 एम्पियर, ठीक है, और इनटू आपका 16, क्योंकि यहाँ पर हमें सब एग्जांपल मिनट में दिए गए हैं, ठीक है, ये बाद में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपकी समथिंग कितनी आएगी, दैट विल बी 6663 के आसपास आएगी, ठीक है। अगर इसको आप 16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज, तो ये वैल्यू आपकी कितनी केवल आएगी, ये वैल्यू मोस्टली आपकी आएगी, दैट इज 110 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल जो आंसर है वो हमारा क्या है, बी है, मतलब 110 मिनट टाइम हमें लगेगा 0.10 मोल ऑफ NaCl गैस बनाने के लिए, ठीक है, सॉरी NaCl नहीं, Cl2 गैस बनाने के लिए इतना टाइम हमें यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने की हमने कोशिश की। इसके बाद हमारा लास्ट का एग्जांपल है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। तो पहले एग्जांपल को मैं पढ़ूंगा। एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu डायपॉजिटिव एंड CuZn डायपॉजिटिव ZnFe2 प्लस FeAg2 एंड R 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट एंड 0.80 वोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबो प्रेडिक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ओकर। ऊपर दिए गए डाटा के हेल्प से आपको बताना है कि नीचे दी गई कौन सी रिएक्शन इज ओकर, होगी या नहीं, विच ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ओकर, ये आपको बताना है, क्लियर है। नीचे दिए गए एग्जांपल की हेल्प से आपको क्या बताना है, कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन जो है वो कंफर्म कर लूं कि ऑकर है या नॉन ऑकर है वो। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन अपना थोड़ा गलत है, नॉट ऑकर पूछा गया है, ठीक है। मतलब नीचे दी गई एग्जांपल में कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो होने वाली नहीं है, ठीक है। अब आपको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज आप सीखे होगे 10वीं क्लास में ही, तो आपको पता होगा जो कॉपर है हमारा, कॉपर क्या है, जो हमारा आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आयरन कैन इजीली डिस्प्लेस द कॉपर, मतलब पहली रिएक्शन क्या होगी, वो होगी, ठीक है। फिर बाद में जो हमारा जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो दैट्स वाई दूसरी भी रिएक्शन होगी। अब तीसरी जो रिएक्शन है, कॉपर को कौन रिप्लेस करना चाहता, हमारा एजी सिल्वर, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। और तीसरी देखेंगे तो क्या है, हमारा कॉपर, हमारा कॉपर जो है वो जिंक को क्या कर सकता, रिप्लेस कर सकता। तो तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है हमारी, वो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन इजिली से दैट जो हमारा सिल्वर जो है एजी इज लेस रिएक्टिव दैन कॉपर, सो दैट्स वाई रिएक्शन नंबर 3 इज नॉट गोइंग टू बी ऑकर। ये डाटा की कोई हमें जरूरत भी नहीं है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता हो तो इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। क्वेश्चन जो है हमारे, आई थिंक ये 2022 के आसपास में पूछा गया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।